मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे आपका वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपका जो वीकली हॉरोस्कोप है उसमें पहला बुर्ज बुर्ज हमल। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुर्ज हमल वाले जो अफराद हैं इनके लिए मैं आपको मुख्तसर लेकिन कम्प्रिहेंसिव सी प्रिडिक्शंस दूंगा, और इंशाल्लाह आप जब इनको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले अफराद का अगर मैं जायचा इस वक्त जो मेरे सामने मौजूद है देखूँ, तो उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि आपके एजुकेशन के मामला इस वीक के अंदर बहुत अच्छे रहेंगे। एजुकेशन के हवाले से अगर आप में कोई आपको एडमिशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो औलाद के हवाले से परेशान हैं, औलाद के हवाले से इनको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तीसरा, ऐसे अफराद जिनके मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, अगर वो कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो वो इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकेंगी, और अपने जो महबूब है इनको दोबारा मनाया जा सकता है। और दूसरी, इसमें ये चीज़ नज़र आती है स्टार की पोजीशन के, आपके मल्टीपल अफेयर्स या आपकी फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ऐसे अफराद जो वर्क प्लेस के ऊपर जिनकी प्राइवेट जॉब्स हैं या कोई तहरीराती काम करते हैं उनके लिए आप मुश्किल टाइम पीरियड है। उसमें ये है कि आपने तहरीरी तौर पर जो भी काम करना है उसको फोकस करना है, उसके हवाले से आपके लिए ये वीक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कोई तहरीरी गलती हो। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए इस हफ्ते के अंदर हमें क्या सूरत हाल नज़र आती है। तो जो उनका जायचा इस वक्त नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर, इस वीक में उनके जो मामलात है वो तहरीरी काम से रिलेटेड रहेंगे और ट्रैवल से रिलेटेड, फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से उनके लिए ये वीक बहुत इसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन रहेगी और इसमें अप्स एंड डाउन्स वो देखते रहेंगे। मज़ीद इस वीक के अंदर अगर मैं देखता हूँ इस हॉरोस्कोप में, तो उनके लिए जो चीज़ नज़र आ रही है कि मोहब्बत के जो मामलात हैं वो उनके लिए डिस्टर्ब नज़र आते हैं। मोहब्बत के मामलात के अंदर प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी अहम चीज़ इसमें एजुकेशन के हवाले से, अगर देखा जाए तो इनके लिए एक मुश्किल टाइम पीरियड है, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है। इनको इस हवाले से मोहतात रहना चाहिए और इस हवाले से ये अपने इस वीक के अंदर। बुर्ज जौजा का जो प्लैनेट है जिसको अतारक कहा जाता है, और बुर्ज जौजा तीसरा बुर्ज होता है, और इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो जो बुर्ज जौजा वाले अफराद हैं उनके लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं ये बहुत अहम होंगे। आप फाइनेंशियल मैटर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से नुकसान होने के इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस नज़र आते हैं। और अगर आप कोई उधार देना चाहते हैं उस हवाले से बहुत सोच कर समझ कर फैसला कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद अगर मैं बात करूँ कि बुर्ज जौजा वाले अफराद इनके लिए अगर देखें तो मेंटली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस में होने की वजह से कोई भी फैसला नहीं कर सकते, और अगर कोई फैसला करेंगे तो वो इनसे गलत फैसला हो सकता है,
इसलिए स्पेशली मनी रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो उसको बहुत सोच कर समझ कर इसको डील करें। मज़ीद अगर देखा जाए इनके लिए तो मैरिज के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है, मैरिज करना इस फील्ड में बेहतर रहेगा, और एजुकेशन के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड रहेगा इस वीक के अंदर। लव अफेयर के हवाले से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट और ब्रेकअप, इस तरह की सिचुएशन होती है। अब हम बात करते हैं बुर्जे सरतान यानी बुर्जे कैंसर जिसे कहा जाता है, और इसका सितारा सितारा कमर होता है। बुर्जे सरतान वाले अफराद के लिए जो बहुत पॉजिटिव और अच्छी इस वक्त हमें जायचे में पोजीशन नज़र आ रही है, एक तो इनके लिए माली पोजीशन, माली गेन, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। और इस वीक के अंदर मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि माली तौर पर बेनिफिट हासिल कीजिएगा, माली तौर पर आपके मामला बहुत पॉजिटिव और अच्छे नज़र आ रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर आपकी एजुकेशन के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, एडमिशन मिल सकता है इस हवाले से। और अगर आपने कोई इम्तिहान दिया हुआ है कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। मज़ीद मोहब्बत के हवाले से अगर हम देखें तो मोहब्बत के हवाले से बहुत पॉजिटिव और अच्छा वीक रहेगा। इसके अंदर आपकी अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं उसको एड्रेस कीजिएगा, और इंशाल्लाह वो आपके इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इस वीक के अंदर बिजनेस के हवाले से या मैरिज के हवाले से, इसके हवाले से अपने फैसलों को रिव्यू कीजिएगा। शादी करना इस वीक में बेहतर नज़र नहीं आती, और उसके अंदर अब हम बात करते हैं बुर्जे असद लियो, पांचवा बुर्ज जिसका सितारा शम्स होता है। और अगर इनकी जायचे में इस वक्त पोजीशन देखी जाए तो सेहत के हवाले से इश्यूज इनको फेस करना पड़ रहे हैं, और दूसरा ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, और इनको इस हवाले से कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये 24 जुलाई से ये चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, और इनकी लिए जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रेस भी इनकी कम हो सकेगी और ये बेहतर फैसला कर सकते हैं। सेकंड, इस हॉरोस्कोप में अगर देखें तो इनके फॉरेन के हवाले से बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं इस वीक में। फॉरेन में ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है, फॉरेन के अंदर इनको वीज़ा मिल सकता है। अगर इमिग्रेशन के हवाले से है तो इमिग्रेशन के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर मैं बात करूँ इनकी एजुकेशन की, एजुकेशन के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड है, और एजुकेशन के हवाले से मामला बेहतर नज़र आते हैं इस वीक में। मोहब्बत के हवाले से अगर हम देखें तो मोहब्बत के हवाले से भी इनके मामला बेहतर नज़र आते हैं, यानी कि कोई डिस्प्यूट या कोई ब्रेकअप, टेंशन, इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं है। अब हम बात करते हैं बुर्जे सुंबला, छठा बुर्ज जिसका सितारा सितारा अतारत होता है। और इस वक्त जो बुर्जे सुंबला वाले अफराद हैं उनको एक तो हेल्थ के हवाले से इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं, स्पेशली मेंटली स्ट्रेस के अंदर है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आप कोई तहरीरी काम करते हैं उसको फोकस कीजिएगा, उसमें गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड, आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसको अपने लीगल कंसल्टेंट से ज़रूर उसको वेरीफाई करवाएं, उसके बाद फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, वरना आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर अगर देखें इस वीक के अंदर तो आपके लिए जो प्रॉपर्टी के हवाले से सेल परचेज है वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है। और अगर बात करें आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपके लिए इस हवाले से बेहतर सूरत हाल नज़र आती है इस वीक के अंदर। मज़ीद अगर देखा जाए एजुकेशन के हवाले से, अगर देखें तो एजुकेशन के हवाले से आपके लिए जो मामलात है उसमें आपको मज़ीद स्ट्रगल करना पड़ रही है, यानी अगर कोई दाखला अगर टेस्ट दिया है तो उसमें आपको मार्क्स कम आ सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। बुर्जे मीज़ान यानी लिब्रा, अब हम बात करेंगे सातवां बुर्ज जिसका सितारा सितारा जोहरा कहलाता है। इस वक्त जो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद हैं उनका जो जायचा
उसमें स्टार्स की पोजीशन है, उसमें अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनके लिए इस वक्त इनकी कैरियर के हवाले से सिचुएशन नज़र आती है। कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, और कैरियर के अंदर इनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनके लिए कैरियर के जो मामलात हैं वो इस वीक के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। आपको जॉब के हवाले से अगर कोई इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं तो वो इशू आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। मज़ीद अगर इसके अंदर हम देखें तो आपके जो फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल के हवाले से आपको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है और आपको इस हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें आपकी एजुकेशन की, एजुकेशन के हवाले से पॉजिटिव वीक रहेगा, और अगर हम इसमें औलाद के हवाले से देखें तो औलाद के हवाले से उनकी कुछ सेहत के हवाले से इशू नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को इस। अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जिसका सितारा मरीख है, और इस वक्त सितारा मरीख बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्कॉर्पियन के लिए अगर मैं सबसे अहम चीज़ इस वक्त देखूं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। उनकी जो कैरियर के हवाले से इस वीक के अंदर, और अगर अहम डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो इस वीक में अहम डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, इनके नाम मर्तबा नेम फेम इसके अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप को आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका नाम नहीं है तो आपको इंशाल्लाह नाम आपका इज्जत मर्तबा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंडली, ऐसे अफराद जो जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से अगर मैं देखूं तो इस वीक के अंदर उनकी प्रमोशन के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्रमोशन हो सकती है, प्रमोशन के लिए केस प्रोसेस हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो सकता है, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा वीक साबित हो सकता है जिसमें आपके नाम इज्जत मर्तबा ये इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ के हवाले से तो वो बहुत अच्छा वीक नज़र आ रहा है। आपके हेल्थ के हवाले से अच्छे फैसले कर सकते हैं, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, और जिनको हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं उनके हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा वीक साबित होगा। बाकी फॉरेन ट्रैवल के हवाले से अगर मैं देखूं तो फॉरेन ट्रैवल के हवाले से कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नज़र आ रहा है, इस हवाले से इन चीज़ों को फोकस। बुर्ज कॉस यानी सैजिटेरियस जिसका प्लैनेट मुश्तरी जुपिटर कहा जाता है, बुर्ज कॉस वाले अफराद के लिए अगर इस वीक के अंदर देखें, एक तो इनकी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, हेल्थ की रिकवरी नज़र आ रही है, हेल्थ के इश्यूज इनके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंडली, अगर मैं देखूं तो इनकी एजुकेशन के हवाले से, अगर कोई एजुकेशन के हवाले से ये परेशान है एडमिशन के हवाले से तो इंशाल्लाह एडमिशन मिल सकता है। अगर इनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो इनके रिजल्ट अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, और अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है मुकाबले का एग्ज़ाम तो वो मुकाबले का एग्ज़ाम भी अच्छे नंबरों से ये पास करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे अफराद जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनके औलाद नज़र आ रही है, उनके औलाद होती हुई नज़र आ रही है, औलाद के हवाले से उनको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तीसरी चीज़, इसमें मोहब्बत के हवाले से अगर बात करें तो इनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई इश्यूज हैं इनके और इनके महबूब के दरमियान तो वो इशू रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर। मज़ीद इनके लिए फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से देखा जाए, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक में, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और अगर इमिग्रेशन के हवाले से मैं बात करूं तो इमिग्रेशन के हवाले से भी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केस प्रोसेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है इनके लिए इमिग्रेशन। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस वीक के अंदर अगर देखें तो हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं पॉजिटिव, एक तो इनके लिए मैरिज के हवाले से जो मामला हैं ये पॉजिटिव नज़र आते हैं। मैरिज के मामला के अंदर अगर देखें तो इनकी शादी के चांसेस नज़र आते हैं, शादी होती नज़र आ रही है। जिनका रिश्ता नहीं हुआ उनके लिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मज़ीद बिज़नेस के हवाले से अगर देखें तो बिज़नेस के हवाले से इस वीक के अंदर चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। बिज़नेस के मामलों के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं इंशाल्लाह वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, इनकी हेल्थ इनकी कंटिन्यूसली बिगड़ती जा रही है। हेल्थ के हवाले से इस वीक के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है ये बेहतर रहेगा, इनकी हेल्थ इस वीक के अंदर हेल्थ इम्प्रूव कर सकती है, और जो ये मेंटली स्ट्रेस के अंदर है उसके अंदर काफ़ी इंशाल्लाह ये रिलीफ मिलता हुआ। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस, 11वां बुर्ज है ये और इसका सितारा जोहल है। तो बुर्ज दल्व वाले जो अफराद है इनका जो हॉरोस्कोप हमें बता रहा है, एक तो इनके कोई मसाइल चल रहे हैं और दोस्तों की वजह से वो मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका इशू चल रहा है वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, तो वो किसी दोस्त की मदद से वो आपका इशू रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर। सेकंड इसमें वीक के अंदर आपकी मैरिज के हवाले से अगर देखा जाए, बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका चल रहा है और इस वीक के अंदर मैरिज के हवाले से डिसीजन लीजिएगा, और जिनकी शादी या रिश्ता नहीं हुआ उनका रिश्ता अच्छी जगह तय होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपका लाइफ पार्टनर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मज़ीद जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, बिज़नेस के अंदर उनको ग्रोथ मिलेगी, बिज़नेस के मसाइल अगर हैं तो वो उनके बेहतर रहेंगे, और इनके लिए माली तौर पर भी इंशाल्लाह ये जो वीक है वो ये माली तौर पर उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं एजुकेशन की इनकी बात करूँ, एजुकेशन के हवाले से इशू नज़र आ रहे हैं, अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो मार्क्स कम आ सकते हैं, अगर कहीं एडमिशन है तो वो एडमिशन नहीं मिल सकता, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। सेकंडली आपके और महबूब के दरमियान जो इश्यूज हैं वो नज़र आ रहे हैं, और उसमें आपका ब्रेकअप होता। बुर्ज हौत यानी पाइसिस आखिरी बुर्ज है और इसका जो सितारा है, सितारा मुशरी होता है और ये आखिरी बुर्ज कहलाता है। इस वक्त जो बुर्ज हौत है इनके लिए अगर इस मंथ के अंदर, इस वीक के अंदर अगर देखें तो स्पेशली बहुत पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है वो है इनकी जॉब। जॉब के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा ये जो टाइम पीरियड है, ये वीक है, इंशाल्लाह इनके जॉब के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, और जॉब के जो मसाइल हैं वो इनके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब के हवाले से इनको गेन होगा, इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, और अगर ये जॉबलेस हैं तो इनको अच्छी जॉब मिल सकती है। मज़ीद अगर मैं इस इनका हॉरोस्कोप देखूं तो इसके अंदर एक तो मैरिज के हवाले से इस वीक के अंदर मैरिज करना बेहतर नज़र नहीं आता इनके लिए। सेकंड इनके लिए एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें, एजुकेशन के हवाले से मामलात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, उसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एजुकेशन की डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। सेकंड महबूब के साथ जो ताल्लुकात है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि अगर आप मकरूज़ हैं तो आप कर्ज अदा करने के जो है वो वसाइल पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके हवाले से ये वीक जो अहम चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर की हैं, एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई है, लेकिन कम्प्रीहेंसिव कोशिश की है कि इसको कम्प्रीहेंसिव रखा जाए और आपका टाइम भी सेव हो और आपको क्विक आपको गाइडलाइन मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।